ये देखें, तो इजीली जो है वो 30 पिप हुए। उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे ही वो 30 हुए हैं, यानी कि 25-30 के लगभग, 25-30 के लगभग आपने वहाँ क्लोज़ कर दी। क्लोज़ करने के बाद वापस जब मार्केट नीचे आएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो हमने दोबारा लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर बाय लिमिट मैंने लगाई है, यहाँ पर आपने दोबारा लगा देनी है। और उसके बाद ये देखते हैं, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पे गई है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। आपने यहाँ पे कर देना एग्जैक्ट, ये मान के चलें कि नहीं करते, यहाँ मार्केट ऐसा नहीं करती, ये भी तो हो सकता है ना। अगर मार्केट नहीं करती तो क्या होगा। उसके बाद इसने कर दिया इसको क्रॉस, अब ये जा रही है 41 पे, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनी हुई है, नहीं तो मैं ना ज़रूर 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 आपको बताता। अब यहाँ पर देखें, जो हमारी 37 थी ना सपोर्ट जो मैंने बताया था, अब यहाँ पर इस एरिया के ऊपर बाय बनती है और रीटेस्ट के ऊपर हमने निकल जाना है। अब ये रीटेस्ट यहाँ पर देखें, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से करनी चाहिए, और ये देखें यहाँ पर ये रीटेस्ट के ऊपर एग्ज़िट कर दी। और दोबारा इसके जैसे ही इसने रीटेस्ट किया, अब मेन चीज़ें ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि रीटेस्ट किसको करना है। ये वाला जो 1644 है, ये प्राइस कहाँ से ली है। तो जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया था कि जो दोस्त ने दिया, उसको भी मैंने बात की है, वो भी इंशाल्लाह उसको मुलाकात का मैंने टाइम लिया उससे, और उससे भी मैं आपका हिस्ट्री जो है वो शेयर करवाऊंगा। आज बहुत से प्रूफ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ लाइव। अच्छा, उसके बाद आगे इसको कर लेते हैं। यहाँ से भी मैंने सेल लगाई, क्योंकि रीटेस्ट के बाद सेल बनती है। और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट हुआ, तेरह इशारिया कुछ का जो है वो मैंने प्रॉफिट किया। तो अब ये जो बनते हैं ना, लगभग 1644 45 से लेकर 1637 तक, तो ये तकरीबन जो है वो बनते हैं 4 और 3 70 के लगभग। मैंने आपको बताया कि 100 पिप, यानी कि 0.01 से 10 पॉइंट, जो 10 जो डॉलर लॉस बनता है, वो आपने माइंड में रखना है कि यहाँ तक जा सकती है। अब सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। अब अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो, तो एक निशान यहाँ पे करके था, जैसे ये नीचे से ऊपर गई है, यहाँ से सेल बनती थी, यहाँ से निकल जाना था। उसके बाद ये नीचे आई, और ये वाला जो 44 के ऊपर है, ये 46 के ऊपर थी, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये डेली बेसिस के ऊपर चेंज होती है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हो, तो आपको 110% ये जो लाइंस हैं, ये वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बाय बनती थी और इस रीटेस्ट पे निकल जाना था, ठीक हो गया। अब जो है, जैसे आज के दिन शामिल हुआ, तो वो चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पर यह हिस्ट्री आपको शो हो रही होगी कि 13 डॉलर कुछ जो है वो का काम किया। तो ये इंडिकेटर मैंने जैसे बताया कि 14 15 दिन 19 दिन, अगर आज 19 डेट है तो 18 दिन मुझे हो चुके हैं। इसी तरह से नॉर्मली काम टाइम शेड्यूल जो है वो 8 बजे से सुबह लेकर हम 2 से 3 बजे तक कर सकते हैं। 5 बजे के बाद जो है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होती है, और उसके बाद ये चीज़ें वर्क नहीं किया जाता, इसके ऊपर वर्क नहीं करते। जो बिगिनर हैं, जिनके छोटे छोटे से अकाउंट हैं, तो वो मार्केट अगर खांसी करती है तो वो अकाउंट ही वॉश हो जाता है। तो बेहतर यही है कि अगर ये इंडिकेटर हमें नॉर्मली सुबह के टाइम ही आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में 5 से 10 15 डॉलर दे देता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिकेटर बुरा है। तो ये तो था रिज़ल्ट आज का। इसी तरह मैं कल भी वीडियो बनाऊंगा, परसों, जब एक बार आप इसको पूरी तसल्ली कर लें
कहाँ पे जाके ये दगा देता है, क्या करता है, इसको प्रॉपरली साल लेकर चलेंगे। और ये गुड प्रॉमिस होगा कि अगर कभी इसमें लॉस हुआ या ये इंडिकेटर पे कोई टेक्निकल या इसको इसने गलत किया या इस पे वर्क ना किया, तो वो भी आपके साथ मैं ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि हर लिहाज से इसको परखा जाए, जो कि 18 दिनों में मैंने परखा, तो अब आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं जो प्रॉफिट है, अभी ये मैंने कर दी इसको क्लोज, और ये देखें ये हुआ जी टोटल 13.77, 14 के लगभग। और ये तमाम लॉट जो हैं, ये अगर आप वाच करें तो तमाम ये वहीं लगी हैं जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद जब रीटेस्ट मार्केट करती है और आपकी अगर ऊपर से ही बाई लगी हैं, तो आपने वो लॉस में काट देनी है। ये सोचना नहीं है कि आपकी प्रॉफिट में लगी हुई है। तो इस इंडिकेटर में ये है कि एग्ज़िट आपने करना है। लालच आपके मन में नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी लालच आ जाती है, तब आपने जो कमाए होंगे वो तो जाएंगे जाएंगे, जो आपके पास पड़े हैं वो भी चले जाएंगे। अब जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ उस दोस्त के साथ जो कि इंडिकेटर जिसने शेयर किया और जो इसके ऊपर काम कर रहा है, जो डेली का प्रॉफिट मेरे साथ शेयर कर रहा है, वो तमाम चीज़ें, उनकी फ़नी फ़नी सी बातें वो शेयर करता हूँ। हम दोनों जो हैं उस पर शेयर कर रहे हैं, और उसने कहा जी आप इसके ऊपर काम करें। इंडिकेटर उसी भाई ने मुझे दिया था, अख्तर अली नाम है उनका, तो वो मेन सिटी मतलब सेम सिटी में या रहीमियर खान से बिलोंग करते हैं वो भी। तो अब जो है मैं आपको उसकी हिस्ट्री के दर्शन करवा लूँ, मतलब थोड़ा सा आपको ये भी हो जाए। ये है जी अख्तर अली, ये बहुत अच्छे नेचर में बहुत अच्छे हैं। जो भी ट्रेडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन इन्हें मिलती है, जो इंडिकेटर मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और हम दोनों जो हैं, जो भी इस इंडिकेटर के थ्रू प्रॉफिट करता है वो शेयर करता है, और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं मार्केट के हवाले से। और ये काफ़ी चीज़ जो है वो पॉजिटिव में आती है, कि अकेला बंदा वैसी ट्रेडिंग में कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये देखें, मैंने ये मालूमात शेयर की, मैंने बताया कि ये मैंने आज के डेट में काम किया। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज की डेट में ये 2679 के लगभग काम किया। और ये देखें लॉट जो है, ये जहाँ भी ये लॉट्स लगी हुई हैं, जो प्राइस हैं वो तकरीबन हम सेम कह सकते हैं, ठीक है, वहीं पर ही उन्होंने क्लोजिंग की जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया। तो ये आ गया आज की डेट का, ये आ गया कल की डेट का। तो डेली बेसिस के ऊपर ना हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये देखें जितना ऊपर जाते जाएंगे, डेली बेसिस पे मैं शेयर कर देता हूँ मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, वो शेयर कर देते हैं मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारी डिस्कस होती रहती हैं डेली बेसिस के हिसाब से। तो ये प्रॉफिट रेशो उसका है, और ये आज जो मैंने आपको बताया करके अपना मेडिटेटर फोर में, ये वो आ गया। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिस्कस होती हैं। तो इंशाल्लाह इससे, जैसा मैंने बताया कि ज़रूर गपशप करूँगा, इन्होंने मेरा ख्याल है कि कोर्स किया कि 25 से 30 हज़ार का, और इन्होंने मुझे इंडिकेटर बताया। तो अगर ये अलाउ नहीं भी करते, मींस कि अगर ये मुझे अलाउ नहीं करते कि ये इंडिकेटर के हवाले से वीडियो नहीं बनानी, उम्मीद है कर देंगे, ज़ाहिर कायल में कर लूँगा। तो अगर ये कर देते हैं, नहीं तो इनका एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हम ज्वाइन में आपको करवा दूँगा, इनसे लिंक लेकर वो शेयर कर दूँगा। लेकिन आज के दूसरा दिन है, तो मैं आपको इंडिकेटर वो लिंक दे दूं कि ज्वाइन कर लो। तो अभी आप ये चैनल जो है वो एक बुक मार्क करें मेरा, डेली बेसिस के ऊपर इस इंडिकेटर को हम वॉच करते हैं। उसके बाद एंड में जाकर आपके जो भी रिव्यू होंगे, तकरीबन 15 दिन मज़ीद हम चलते हैं, उसके बाद जो भी आपके रिव्यू होंगे उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो इंडिकेटर लाइव जो प्रूफ है, लाइव जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर मैंने की, आपको बहुत बहुत उससे हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आई होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप मज़ीद जो है वो वीडियो का सिलसिला स्टार्ट रखेंगे, देखेंगे, और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप शेयर मुझसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सा ख्याल, अब्दुल रऊफ टिप्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।